फ्रेंड्स, कैसे आप सही में अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में ये वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि दरअसल हाइट बढ़ती किस तरह से है और आप कैसे अपनी हाइट को तेजी से बढ़ा सकते हैं। पर वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि डिटेल में चीजों को बताने में वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, पर आपको इसे पूरा जरूर देखना है। तो वीडियो में हम पहले जानेंगे कि आपकी हाइट बढ़ती कैसे है, फिर हम जानेंगे कि क्या अगर आपके माता पिता की हाइट कम है तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या 18 साल की उम्र के बाद भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। इसके बाद हम जानेंगे कि किन गलतियों की वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। फिर हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी हाइट रुकी हुई है या बहुत ही हल्की बढ़ रही है तो आप किस तरह से तेजी से अपनी हाइट की ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहले जल्दी से ये जान लेते हैं कि आप लोगों की हाइट आखिर बढ़ती कैसे है। तो देखिए, पहले भी कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी बोन्स यानी हड्डियां होती हैं जिनके बढ़ने से ही आपकी हाइट भी बढ़ती है, यानी कि स्पाइन, फिब्यूला, टिबिया और फीमर ऐसी बोन्स होती हैं कि जब इन बोन्स की ग्रोथ होती है यानी ये बढ़ती हैं तभी आपकी हाइट भी बढ़ती है। और ये हड्डियां कैसे बढ़ती हैं? तो फ्रेंड्स, इन हड्डियों के एंड में एक ग्रोथ प्लेट लगी हुई होती है जिसे फाइसिस भी कहा जाता है। और ग्रोथ प्लेट का ये एरिया एक सॉफ्ट कार्टिलेज से बना होता है और ग्रोथ प्लेट के इस सॉफ्ट कार्टिलेज वाले एरिया में ही नए बोन टिश्यूज बनते हैं। और नए बोन टिश्यूज के बनने से ही आपकी इन हड्डियों का साइज बढ़ता है, मतलब कि आपकी हाइट बढ़ती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि हाइट कैसे बढ़ती है। अब आपका काम यह है कि आप वो सभी काम करें जिसकी मदद से आपकी बोन्स के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा नए बोन टिश्यूज बना सकें जिससे कि आपकी हाइट बढ़ेगी। तो आगे हम आपको लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डाइट जैसी सभी चीजें बताएंगे जिनकी मदद से आप अपनी ग्रोथ प्लेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा नए बोन टिश्यूज बनाकर अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। पर पहले हम ये जानते हैं कि क्या माता पिता की हाइट कम होने से बच्चों की हाइट भी कम ही रहती है या फिर ये पूरी तरह से सच नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बात में कोई शक नहीं है कि ज्यादातर केसेस में अगर माँ बाप की हाइट कम होती है तो ज्यादातर बच्चों की हाइट भी कम ही रह जाती है, और ऐसा माँ बाप से बच्चों को मिलने वाले जेनेटिक्स की वजह से होता है। पर देखिए फ्रेंड्स, आपने ऐसा भी देखा होगा कि माँ बाप की हाइट कम होती है और बच्चों की हाइट माँ बाप की हाइट से ज्यादा हो जाती है। तो कम हाइट वाले माँ बाप से मिलने वाले जेनेटिक्स के बाद भी आप लोग अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, बस उसके लिए आपको कुछ प्रूवन मेथड्स और टेक्निक्स का पता होना चाहिए जो आगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पर पहले आपके एक जरूरी सवाल का जवाब आपको दे देते हैं और जानते हैं कि क्या 18 साल की उम्र के बाद भी आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने जो सुना होगा कि 18 साल की उम्र तक ही हाइट बढ़ती है, तो ये एक एवरेज नंबर है, यानी कि एक एवरेज निकालने पर लगभग 18 साल की उम्र तक ही हाइट बढ़ती है। मगर बहुत से लोगों में उनकी हाइट 20 साल के बाद भी बढ़ती रहती है और लगभग 28 साल तक की उम्र तक कुछ लोग अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए सभी जरूरी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप 25 से 28 साल तक की उम्र तक भी अपनी हाइट बढ़ाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और हम आगे आपको वही सब जरूरी चीजें बताएंगे जिन्हें करने से आप अपनी हाइट बढ़ाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं कि किन गलतियों की वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाएंगे। तो हाइट रुकने की या ज्यादा ना बढ़ने की पहली गलती होती है डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी का ना होना या बहुत कम होना। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम रखते हैं या रखते ही नहीं है तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इस बात के कि आपकी हाइट रुक जाएगी, क्योंकि जब आपकी डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज या पैदल चलना और मेहनत के काम करने जैसी एक्टिविटी ज्यादा होती है तो इससे आपके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि HGH हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी हाइट की ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि जब HGH हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ता है तभी आपकी बोन्स के अंदर नए बोन टिश्यूज ज्यादा बनने लगते हैं जिससे आपकी हाइट बढ़ती है। पर अगर आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है तो आपकी हाइट रुकने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फ्रेंड्स, हाइट ग्रोथ रुकने की दूसरी बड़ी गलती है अच्छी क्वालिटी की और पूरी नींद ना लेना। तो पूरी और सही क्वालिटी की नींद ना लेने से भी आपकी हाइट ग्रोथ पर काफी असर पड़ता है, क्योंकि आजकल लड़के और लड़कियां देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं जिस वजह से रात में काफी देर से सोते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपको बता दें कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH जो होता है उससे ही आपके नए बोन टिश्यूज बनते हैं जिससे आपकी हाइट बढ़ती है, और HGH हार्मोन आपकी बॉडी में सोते हुए ही ज्यादातर बनता है। और जब आप देर से सोते हैं और आपका स्लीप साइकिल खराब होता है यानी देर से आप सोते हैं और देर से उठते हैं, तो इस वजह से सही से आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाता जिस वजह से आपकी हाइट सही से ग्रोथ
नहीं कर पाती। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, फिटनेस रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। हाइट ग्रोथ रुकने की तीसरी बड़ी गलती है बहुत सी एक्सरसाइजेज ज्यादा वेट के साथ करना। फ्रेंड्स, आपने बहुत सी बार सुना होगा कि एक्सरसाइज करने से हाइट रुक जाती है, तो ऐसा नहीं है। पर कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप ज्यादा वजन के साथ उन्हें परफॉर्म करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन पर ज्यादा प्रेशर आता है। और स्टडीज से ये भी साबित हुआ है कि इस तरह की एक्सरसाइजेज में ज्यादा वजन उठाने से आपकी स्पाइन कंप्रेस होती है, जिससे कि आपकी हाइट रुकने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें आप अपने शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए अपने शोल्डर से ऊपर वजन उठाते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेज में आपको ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। तो आपको शोल्डर डंबल प्रेस और शोल्डर बारबेल प्रेस एक्सरसाइजेज में ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा स्क्वाट्स एक्सरसाइज भी आपको ज्यादा वजन के साथ परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। हाइट ना बढ़ने की चौथी गलती है स्मोकिंग और एल्कोहल का इस्तेमाल करना। तो अगर आप भी स्मोकिंग करते हैं तो इससे भी आपकी हाइट पर असर पड़ सकता है, क्योंकि स्मोकिंग से डायरेक्ट हाइट पर असर पड़ता है। वैसे इस बात के एविडेंस तो काफी कम है, पर सिगरेट के अंदर निकोटीन, कार्बन मोनोक्साइड, टार, टॉक्सिक केमिकल्स जैसे बेंजीन, आर्सेनिक और फॉर्मल्डिहाइड जैसे नुकसानदायक केमिकल्स और सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की काम करने की कैपेसिटी को काफी कम कर देते हैं, जिससे कि आपकी हाइट ग्रोथ पर असर पड़ता है। और एल्कोहल यानी शराब से भी आपकी हाइट ग्रोथ पर फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी लेट 20s तक आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन काफी ज्यादा मात्रा में बनते हैं, जिससे कि आपकी मसल्स की ग्रोथ भी होती है और साथ में आपकी हड्डियों की ग्रोथ भी होती है। साथ में आपके अंदर सेक्स हार्मोन्स भी इसी टाइम में ज्यादा बनते हैं। और ह्यूमन पर की गई स्टडीज में ये बात सामने आ चुकी है कि अगर आप अपनी हाइट ग्रोथ की उम्र में शराब का सेवन करते हैं तो इससे ग्रोथ हार्मोन बनने की प्रोसेस धीमी पड़ जाती है, जिससे आपकी मसल्स और बोन्स की ग्रोथ सही से नहीं हो पाती, जिससे कि आपकी हाइट नहीं बढ़ती। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। हाइट ना बढ़ने की पांचवी गलती है प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट ना लेना। फ्रेंड्स, आपकी हाइट की ग्रोथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी डाइट ही होती है। यानी अगर आप सिर्फ अच्छा लगने की वजह से कुछ भी बाहर की चीजें खाते रहते हैं तो इससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। तो इसीलिए बाहर का जंक फूड, ज्यादा ऑयली फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस तरह की चीजें अगर आप खाते हैं तो इससे आपको जरूरी न्यूट्रिशंस नहीं मिलते। और फिर से आपको बता दें कि हाइट बढ़ाने के लिए सही न्यूट्रिशन वाली डाइट ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वैसे आपको डाइट में क्या लेना चाहिए ये आगे हम आपको बताएंगे। पॉइंट नंबर 6 पर आता है पुअर डाइजेशन, यानी कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है और आपका खाना अच्छे से हजम नहीं होता तो भी आपकी हाइट ग्रोथ पर इससे काफी असर पड़ता है। वैसे खराब डाइजेशन होना आपकी कोई गलती नहीं है, पर अगर आपको किसी पुरानी बीमारी की वजह से आपका डाइजेशन कमजोर रहता है और खाना सही से हजम नहीं होता तो आप जो भी खाते पीते हैं उसके पूरे न्यूट्रिशंस आपको नहीं मिल पाते और खाया पिया आपको सही से नहीं लग पाता, जिस वजह से आपकी हाइट ग्रोथ पर असर पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी हाइट तेजी से बढ़ सके। तो हाइट बढ़ाने के लिए 3 फील्ड्स पर आपको काम करने की जरूरत होती है, जिसमें पहली है डाइट यानी आप जो भी खाते पीते हैं, दूसरी है एक्सरसाइज और तीसरी है आपका लाइफस्टाइल यानी आप डेली लाइफ में क्या करते हैं और किस तरह से रहते हैं। ये भी आपकी हाइट बढ़ने या ना बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो चलिए सबसे पहले डाइट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हाइट ग्रोथ करने के लिए कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सबसे जरूरी होते हैं हाइट ग्रोथ में, और उनमें आता है विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, बी विटामिन्स, विटामिन B1, विटामिन B2 और कोलेजन। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आपको ये सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन सी डाइट है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, डाइट में आपको लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है जिन्हें आप अपने खाने में बनाकर खा सकते हैं। दूसरा, अंडे आपको रोजाना 1 या 2 अपनी डाइट में शामिल करने हैं। इसके अलावा होल ग्रेन आपको अपनी डाइट में लेने हैं, जैसे आटा, गेहूं, बेसन और पोहा। वैसे गेहूं और आटा तो आप ऐसे भी इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन कभी कभार आपको बेसन और पोहा भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अलग है फ्रूट्स और फलों में आप सभी तरह के फलों का इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश करें। इससे अलग आता है चिकन, जो कि काफी फायदेमंद है हाइट की ग्रोथ में। इसके अलावा बीन्स भी आपको अपने खानों में ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, और बीन्स में आप सोयाबीन, राजमा, छोले और साबुत मूंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इन चीजों को अपने खाने में आप ज्यादा इस्तेमाल करिए। इसके अलावा क्यूनोवा सीड्स भी हाइट बढ़ाने में काफी अच्छा काम करते हैं, और सर्दियों के मौसम में आप शकरकंद भी जरूर खाया करिए। इससे अलग जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध, पनीर, चीज, दही और घी, इन चीजों का इस्तेमाल भी आपको ज्यादा करना चाहिए। इससे अलग सभी तरह की सब्जियां, बादाम और सभी तरह की दालों का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो चीजें
चीजें हमने आपको बताई हैं, ये सभी आपको एक दिन में नहीं खानी है, बल्कि इन चीजों का इस्तेमाल आपको अपनी डेली लाइफ में ज्यादा करना चाहिए। और यही सब वो चीजें हैं जो कि आपकी हाइट ग्रोथ के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपको देती हैं। इसके अलावा आप अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा आपका मसल मास और बोन टिश्यूज तेजी से बनाने में काफी हेल्पफुल होता है। तो आप अश्वगंधा पाउडर का एक चम्मच एक गिलास हल्के गर्म दूध में रात में मिलाकर ले सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है हाइट ग्रोथ करने में। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी फुल पोटेंशियल में हाइट की ग्रोथ करना चाहते हैं। तो आपको डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी होगी, और फिजिकल एक्टिविटी में सबसे पहले तो आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी है। तो आप रस्सी कूदना, रनिंग या जॉगिंग या फिर साइकिल चलाने जैसी कोई भी एक्सरसाइज रोजाना सुबह में या शाम में करना शुरू कर दें। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं हाइट ग्रोथ में। तो आप कोबरा स्ट्रेच, साइड स्ट्रेच, उत्तानसना और वॉल स्ट्रेच जैसी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हैंगिंग एक्सरसाइज भी रोजाना परफॉर्म करनी है। इसमें आप अपने घर के किसी छज्जे पर या फिर किसी रॉड पर लटक जाएं, और लटकने के बाद अपनी पूरी बॉडी को ढीला आपको छोड़ देना है, और इस तरह से आप जितनी देर तक लटक सकें आपको लटकना है, और इस तरह से 2 से 3 बार आपको लटकना है। इससे भी आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, डाइट और एक्सरसाइज के बाद तीसरा फील्ड जिस पर आपको काम करना है वो है आपका लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले हम सोने और जागने की बात करेंगे। तो आपकी जो बेस्ट स्लीप साइकिल होती है वो रात में लगभग 10 बजे के आसपास से सुबह में लगभग 6 बजे के आसपास तक होती है, और इसी टाइम सर्कल में आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो आपको रात में 10 बजे के आसपास सो जाना है और सुबह में 6 बजे के आसपास आपको उठ जाना है, यानी 7 से 8 घंटे की नींद आपको रात में पूरी करनी है। इसके अलावा सुबह में एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, और फिर आपको एक्सरसाइज के बाद जल्दी ही नाश्ता भी कर लेना है, और नाश्ते में जो ऊपर डाइट हमने आपको बताई थी उस डाइट में से ही कुछ आप ले सकते हैं, और नाश्ता थोड़ा हैवी आपको करना है। इसके अलावा स्ट्रेस से भी आपको बचना है, यानी किसी भी तरह की फालतू की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी, और अपने दिमाग को रिलैक्स रखने की कोशिश आपको करनी है। और फ्रेंड्स, डेली लाइफ में अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, और अगर आपका कोई काम बिना बाइक के ही हो सकता है तो आप पैदल चलकर वो काम पूरा करने की कोशिश करें, और अगर बैठने का आपका कोई काम है तो लगातार बहुत लंबे टाइम तक आप ना बैठे रहें, बल्कि हर 1 से 2 घंटे बाद आपको 5 से 10 मिनट थोड़ा चलना फिरना है या फिर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग आपको करनी है। फ्रेंड्स, इन सारी टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी हाइट को बढ़ाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।